कि लोकसभा चुनाव 2019 काफी ज्यादा दिलचस्पी के साथ आगे बढ़े, फिर चाहे जब चुनाव का आगाज नहीं हुआ उस दौर की बात की जाए या नतीजे घोषित हो जाने के बाद जिस तरह का समा चारों ओर दिखाई पड़ रहा है उस समा पर चर्चा की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गांधी परिवार पर इस खास प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। गांधी परिवार जो हमेशा चर्चा में रहता है और चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प उस वक्त हो जाती है जब यहाँ पर उन दो हिस्सों पर बात करें, उन दो टुकड़ों पर बात करें जो राजनीति के अखाड़े में एक दूसरे के साथ नहीं एक दूसरे के खिलाफ कर खड़े हैं। जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं मेनका गांधी के बारे में और साथ ही आपसे चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं, चुनावी नतीजे आ जाने के बाद कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। एक ही परिवार के दो हिस्से हैं, मेनका गांधी वरुण गांधी और एक तरफ सोनिया गांधी का परिवार। और फिलहाल जहां एक तरफ मेनका वरुण की खुशी का ठिकाना नहीं है, जहां एक तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेनका और वरुण जश्न में डूबे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फिलहाल अपनी हार को लेकर परेशान हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे तक की खबर आ चुकी है। क्या करें, ये राजनीति अखाड़ा ही ऐसा है, यहाँ कहीं खुशी है तो कहीं गम है। राजनीति के अखाड़े में कोई अपना नहीं है, जो आपके खिलाफ खड़ा है वही आपका दुश्मन है। राजनीति के अखाड़े को एक तरीके से महाभारत के युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, जहां एक रूल है, सामने वाला खड़ा है उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल रिश्तों की गरिमा लांघ कर मेनका गांधी वरुण गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, प्रचार प्रसार दोनों ने किया है, प्रचार प्रसार दोनों हिस्सों से हुआ है। जहां एक तरफ मेनका गांधी ये कहती है कि राहुल गांधी 20 सालों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वहीं मेनका गांधी और राहुल गांधी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन सुल्तानपुर की जमीन पर जाकर चाची मेनका के खिलाफ प्रचार किया। सुल्तानपुर की जमीन पर जाकर चाची मेनका के खिलाफ राहुल और प्रियंका दोनों ने इल्जाम के तीर चलाए और जो नतीजा निकला वो काफी ज्यादा दुखदायी है। कांग्रेस कई सीटें हार चुकी हैं, कांग्रेस का बुरा हाल इस पार हो गया है मोदी सुनामी में, और इन सबके बीच राहुल गांधी से उनका गढ़ अमेठी भी छिन चुका है। वायनाड से भले ही 8 लाख से ज्यादा वोट पाकर राहुल गांधी ने अपनी जीत दर्ज की हो, लेकिन अमेठी की हार को भुला पाना उनके लिए जरा भी यहां पर आसान नहीं होने वाला है। खैर, अमेठी पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले सुल्तानपुर पर आते हैं। चाची मेनका ने यहां पर भतीजे राहुल के सारे इल्जाम पर पानी फेर दिया है। सुल्तानपुर में अपने प्रत्याशी संजय सिंह के प्रचार के लिए राहुल और प्रियंका दोनों पहुंचे, कई बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, वादे किए, लेकिन इनके तमाम वादे कोई यहां पर रंग नहीं ला पाए, क्योंकि सुल्तानपुर की जमीन पर मेनका गांधी ने यहां का इतिहास भी बदला और इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ा। सुल्तानपुर का इतिहास था महिला प्रत्याशी यहां से नहीं जीतती, लेकिन मेनका गांधी यहां से जीती हैं। बता दें आपको, 14,526 वोटों से मेनका गांधी ने गठबंधन के प्रत्याशी सोनू सिंह को हराया है। 14,526 वोटों के अंतर से मेनका गांधी ने सुल्तानपुर की जमीन पर अपनी जीत दर्ज की है। अब आते हैं सुल्तानपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पर। कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह को उतारा था मैदान जंग में, और मैदान जंग में खड़े संजय सिंह का प्रचार करने के लिए राहुल प्रियंका पहुंचे थे सुल्तानपुर। चाची मेनका के खिलाफ प्रचार इन दोनों ने किया, नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सिंह 41,681 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। बड़ी शर्मनाक हार सुल्तानपुर में हुई है कांग्रेस प्रत्याशी की। संजय सिंह का अकाउंट 41,681 पर जो सिमट कर रह गया, ये बार ये हार सिर्फ संजय सिंह की नहीं, ये हार राहुल और प्रियंका की है। यहां अपनी जीत का डंका जो मेनका गांधी ने बजाया है, इसकी गूंज संजय सिंह तक नहीं सिमट कर रहेगी, बल्कि इसकी गूंजती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के कानों में भी जाएगी। गांधी परिवार के हिस्से आपस में पूरी तरह से उलझे हैं। बता दें आपको, कहा जा रहा था कि प्रियंका और वरुण और राहुल की पीढ़ी से पहले तक रिश्तों को राजनीति से ज्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन इस बार तमाम मर्यादाएं लांघी जा चुकी हैं। नाम ले लेकर यहां पर इल्जाम लगाए गए हैं और नतीजा ये निकल कर आया, राहुल गांधी के पास फिलहाल खुश होने की कोई वजह नहीं है। और वहां मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी के साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जश्न में डूबी है। फिलहाल कहीं खुशी कहीं गम में इतना ही, यही मिजाज है गांधी परिवार का। बाकी अपडेट्स के साथ हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। नमस्कार।